हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस का समाधान। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना शशांक सर और हम लोग हैं योर क्लासेस पे। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे जीएस का समाधान के बारे में, तो ये डेली आपके लिए आता है सुबह 10 बजे, और वहीं अगर मैं बात करूँ टॉप 10 के बारे में तो ये आपको मिलता है डेली शाम को 7 बजे। तो दोनों ही क्लासेस से जीएस में जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब आज अगर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट फिर से बात करना चाहूँ तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में मन को स्थिर रखना बहुत ज़रूरी होता है, और मन को स्थिर अगर आपको है तो डेली के डेली अपने 1 या 2 मिनट ध्यान जरूर लगाइए, यानी कि मेडिटेशन जरूर करिए। तो आपको ना केवल आपकी यहां पे मेमोरी इंप्रूव होगी बल्कि आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम लोग आज का जीएस का समाधान, और सब्जेक्ट हमारे लिए हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास। तो देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पे लगाई गई। 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो, बहुत ईजी है। चलिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे राइट आंसर की बात करूँ तो राइट ऑप्शन आप सबने सही लगाया होगा, और सूरत होगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे फैक्ट्री से जुड़े हुए सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कोची में लगाई थी, ठीक है। और पुर्तगालियों में जो सबसे फेमस नाम है वो कौन है, वास्को डिगामा, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कहाँ लगाई है, सूरत में लगाई हुई है। और वहीं अगर डच की बात की जाए तो डच ने सबसे पहले कहाँ लगाई थी आपकी, मछलीपट्टनम या मसूर पट्टनम कहते हैं, जो कि आंध्रा में था 1602 में, ठीक है। तो देखो, यहां पे इसको याद कैसे करना है, पक्की बस डीएम की, ठीक है, और इसी ऑर्डर में याद करना है, यानी कि पक्की बस क्या है आपकी, डीएम की है, तो पक्की से क्या मिल गया हमें, पुर्तगाली यहां पे कोची में, और वहीं बस में क्या मिल गया, ब्रिटिशर सूरत में, और डीएम से क्या मिल गया हमें, यहां पे डच कहां पे आए थे आपके, मसूली पट्टनम में, ठीक है। तो देखो, ये फैक्ट्री से जुड़ी हुई आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी है। पहली ट्रेन कब रवाना हुई, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बताइए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वाला आंसर किसी का भी गलत नहीं होगा। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 1853। और वहीं अगर डेट की बात की जाए तो कई बार एग्जामिनर आपसे डेट भी पूछ लेता है, तो याद रख लो 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी, कहां से कहां तक, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सर बॉम्बे से थाने में चलाई गई थी। और वहीं देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो पहली ट्रेन है किसके समय में चली, तो आप बताएंगे लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। किसके समय में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में, इसीलिए उन्हें इंडियन रेलवे का फादर ऑफ इंडियन रेलवे या जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए पहली बार पानी से ऊर्जा यानी जल विद्युत कब बनाई गई थी, तो आप बताएंगे 1898 यानी 1898 में। कब बनाई गई थी, 1898 में। और ये कहां पे बनाई गई थी आपकी, ये बनाई गई थी दार्जिलिंग नामक शहर में। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिबा फुले ने यहां पर जो आपका एक सत्यशोधक समाज बनाया था वो क्यों बनाया था, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो। चलिए, टाइम अप। तो यहां पे देखो, राइट ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था कि जो लोअर कास्ट है यानी निचली जातियां हैं उन्हें ब्राह्मण से बचाने के लिए। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने की। तो ये सत्यशोधक समाज करता क्या था, नंबर एक, ये सुरक्षा, फोटो देख रहे हो ना, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक तो आपका सुरक्षा प्रदान की, ठीक है, उसके अलावा शिक्षा दी किसको, यहाँ पे निम्न जातियों को, और उसके अलावा उनके लिए अधिकार की व्यवस्था भी की गई, किसके अंतर्गत, सत्यशोधक समाज के अंतर्गत। और वहीं अगर आपसे बात की जाए ये सत्यशोधक समाज बना कब था, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो 1873 में बनाया गया था आपका यहाँ पे ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, तो जमींदारों के खिलाफ जो आपका यहाँ पे हुआ था, तो उनमें से जो सबसे आपके लिए कह सकते हैं बहुत फेमस है वो है मोपला विद्रोह, केरला में हुआ था 1921 में। और अगर बात की जाए कास्ट सिस्टम के बारे में, तो आपने ब्रह्म समाज का नाम सुना होगा, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके साथ की, किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं ये ऑप्शंस भी आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि महात्मा गांधी के द्वारा यरवडा जेल में जो फास्ट रखा गया, व्रत रखा गया, वो क्यों रखा गया, 5 सेकंड में फटाफट जवाब बता दो, बहुत ईजी है।
चलिए यहाँ पे अगर मैं आपसे राइट ऑप्शन की बात करूँ तो आपने भी यहाँ पे सही आंसर टेक किया होगा, कम्युनल अवार्ड। देखो कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पुरस्कार। तो हुआ क्या था पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अतीत में भी एक बार जान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये राइट ऑप्शन तक कैसे पहुँचे। तो देखो आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें अम्बेडकर, ये एग्जाम में कई बार आया है कि अम्बेडकर ने तीनों राउंड की टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था या वहाँ पर मौजूद थे। तो इनके द्वारा हरिजन से संबंधित एक पैक्ट किया जाता है जिसमें उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, यानी पृथक आपका निर्वाचन दिया जाता है। अब आप कहोगे सर ये सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है, तो इसको देखो ऐसे समझो, जैन अगर व्यक्ति सिर्फ जैन नामक नेता को चुने तो उसको क्या कहा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसका अधिकार किसको दे दिया गया, अम्बेडकर को। अब गांधी जी को इसी के खिलाफ गुस्सा आ गया और इसके लिए उन्होंने क्या किया वहां पर, यहां पे व्रत रखा। और इसके बाद में जब व्रत रखते हैं तो इसके बाद में उन कुछ प्रयासों के द्वारा एक पूना का पैक्ट किया जाता है जिसमें हरिजन की जो सीटें हैं वो 148 तक बढ़ाकर कर दी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और आपके लिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता। तो ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बाद किया गया था साल 1930 में। चलिए अब फटाफट लेते हैं अगला सवाल, वन टाइम एसोसिएट। इन्होंने ये पूछा है कि जो महात्मा गांधी ने एक उनके सहयोगी थे उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया, उनका नाम बताएं। 5 सेकंड में फटाफट जवाब दे दीजिए। चलिए टाइम अप। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, तो यहां पे राइट ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पे त्यागराज, सॉरी यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन है ईवी रामस्वामी नाइक्कर, ठीक है। अब देखो ये जो नाइक्कर थे आपके, इन्हें जो है आपका फादर ऑफ द्रविड़ियन मूवमेंट यानी द्रविड़ियन आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, द्रविड़ियन आंदोलन का जनक कहा जाता है किसे, ईवी रामस्वामी नाइक्कर को। तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट क्यों चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपका एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था, एंटी ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने एक ऑप्शन में एक और नाम देखा है और वो दूसरा नाम है यहाँ पे सेट्टी यानी चेट्टी भी इनको कहा जाता है। तो इसके साथ में दो वर्ड और याद कर लो, चेट्टी के साथ में यहाँ पे आपने दो नाम और याद रखने हैं, मुदैलार और इसके अलावा नायर, ठीक है। ये आपका पीसीएस का बहुत फेमस सवाल है। तो इनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना की जाती है उसका नाम था जस्टिस पार्टी साल 1916 में। तो सवाल ये आया था कि उनके नाम बताएं जिन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना की, तो सेट्टी मुदैलार और नायर यानी CMN के द्वारा किसकी कौन सी पार्टी की स्थापना की गई, जस्टिस पार्टी की। चलिए अगला सवाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे पूछा गया है कि किसके द्वारा आपका, किस जोड़े के द्वारा यहाँ पे भारत को एक किया गया, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो। चलिए टाइम अप। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इसका राइट ऑप्शन चूज किया होगा, सरदार पटेल के द्वारा। सरदार पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों ने ही आज़ादी के समय पे, जब यहाँ पे 1947 में भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद आपका 49 यानी 2 साल तक लगातार इन दोनों के द्वारा जो को वहाँ पे उस समय पे दो प्रकार के यहाँ पे प्रांत होते थे, एक होते थे जो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत थे और दूसरे होते थे जो राजा यानी किंग के अंतर्गत होते थे। तो इनकी संख्या उस समय थी कुल 562, कितनी थी ये एग्जाम का सवाल है, कुल 562 थी। तो इन सबको एकत्रित करने का जो कार्य किया गया था वो उस समय के होम मिनिस्टर कौन थे आपके, सरदार पटेल थे और वहीं उसके अलावा वीपी मेनन। तो वीपी मेनन और सरदार पटेल के द्वारा इन जो आपके राजाओं के देश थे इनको एकत्रित करने का कार्य किया गया था, ठीक है। चलिए फटाफट लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए ये है फोटो, ये है आपके सरदार पटेल और उनके बगल में कौन है आपके, वीपी मेनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सती जो आपकी कह सकते प्रथा है इसको किसने समाप्त किया, 5 सेकंड है जल्दी से जवाब बता दो। चलिए टाइम अप। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सती प्रथा की, तो सती प्रथा से जो सबसे फेमस नाम आता है वो क्या आता है आपका, उनका नाम आता है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो अब अगर देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन की आपसे बात की जाए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, आपने भी सही लगाया होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब देखो विलियम बेंटिक से संबंधित अगर आपको यहाँ पे अगर जानना हो तो ये पहले गवर्नर जनरल रहे थे, क्या रहे थे, पहले गवर्नर जनरल रहे थे, कौन, विलियम बेंटिक। उसके अलावा एग्जाम में आता है कि ठगी व्यवस्था या प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे,
जाएंगे, विलियम बेंटिक के द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त किया गया, जो कि पहले क्या थे आपके गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के समय पे मैकॉले मिनट भी जारी किया गया था। और वहीं अगर बात की जाए डलहौजी की, तो इनके समय में रेलवे के अलावा यहाँ पे पोस्टल स्टैंप की व्यवस्था भी शुरू की गई। तो आरपी किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से, और गवर्नर जनरल की ठगी किससे संबंधित है आपका, विलियम बेंटिक से संबंधित है। और वहीं अगर बात की जाए वॉरेन हेस्टिंग की, बहुत फेमस सवाल है, ये भी गवर्नर जनरल थे लेकिन ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और वहीं अगर बात की जाए विलियम बेंटिक कहां के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम या वास्तविक नाम क्या है, 5 सेकंड में फटाफट जवाब बता दो। चलिए टाइम आप, तो यहां पे राइट आंसर आप मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा, मूल शंकर नाम था दयानंद सरस्वती का। तो ये जो दयानंद सरस्वती हैं जिनकी, जिनका डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका 1824, तो इनका ये जो आप, इन्होंने जो है आपका आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की। और वहीं इन्होंने वेदों की और लौट चला दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, यानी बैक टू वेदास। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि ये आर्य समाज किस चीज से संबंधित था, तो ये आपका मूर्ति पूजा के खिलाफ था। किसके खिलाफ था आपका, मूर्ति पूजा के खिलाफ था। और वहीं अगर आपसे कहा जाए तो सत्यार्थ प्रकाश का नाम सुना होगा आपने, तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, ये भी किसकी रचना है आपकी, दयानंद सरस्वती की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पूछा गया है कि गांधी जी के द्वारा कहां पर सत्याग्रह से संबंधित अपने एक क्लोज, यहां पे जो उनके करीबी थे, उसको नेता बनाया था। ठीक है, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो। चलिए टाइम अप, तो देखो यहां पे अगर मैं बात आपसे राइट ऑप्शन की बात करूं, तो यहां पे राइट ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल को राजकोट में बनाया था। क्यों आखिरकार, क्योंकि राजकोट में वो एक व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का प्रयास कर रहे थे, और उसी में उनके लिए उन्होंने साहित्य लिखक को बाद बुलाया था आपका, यहां पे वल्लभ भाई पटेल को बुलाया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इसको शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताएं, तो आचार्य विनोबा भावे आपके प्रथम व्यक्ति थे, और वहीं दूसरे व्यक्ति थे आपके जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए बदल लेते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन किस के लिए या कह सकते हैं कब लागू की गई, किस चीज के लिए लागू की गई, 5 सेकंड है, जल्दी से जवाब बता दीजिए। चलिए टाइम अप, तो देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, जी जलियांवाला बाग के ट्रेजेडी के लिए यहाँ पे हंटर कमीशन को लागू किया जाता है, 1919 में बुलाया जाता है उसकी जांच करने के लिए, जिसमें वो ये भी पाते हैं कि जो जलियांवाला बाग में कांड हुआ वो गलत हुआ था। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए तो ये किसके समय में हुआ था, तो आप बताएंगे लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड के समय पर हुआ था। और वहीं अगर बात की जाए हंटर कमीशन, तो एक और हंटर कमीशन है जो शिक्षा यानी एजुकेशन से संबंधित थी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, और ये आपकी लॉर्ड रिपन के समय में आई थी। किसके समय में आई थी आपकी, लॉर्ड रिपन के समय में। और वहीं अगर आपसे बात कर ली जाए बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह में ही आपका सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पूछा गया है कि यूरोपियन कॉलोनी ऐसी कौन सी थी जिसने ईस्टर्न कोस्ट में कोई भी सेटलमेंट नहीं किया था, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो। चलिए टाइम अप, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डेनिश। अब देखो सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले ध्यान दो, ईस्टर्न कोस्ट पे कोई भी सेटलमेंट नहीं किया, ईस्टर्न कोस्ट, तो आइए इसको बात देख भी लेते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, तो ये जो पूरा एरिया है इसको कहा जाता है आपका ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पे ये जो डेनिश है इनकी कोई भी यहाँ पे सेटलमेंट नहीं थी, या तो उनका कहाँ पे था आपका, यहाँ पे सेरमपुर के पास, या फिर आपका ये आप नीचे देख रहे हैं फोटो में, तो ये है आपका ट्रेवनकोर, यहाँ क्या सॉरी ट्रेंकबार, तो पे थी इनकी फैक्ट्रियां, और उसके अलावा ईस्टर्न कोस्ट में इनकी कोई भी फैक्ट्री नहीं थी। और वहीं अगर बात कर लीजिए फ्रेंच के बारे में, तो फ्रेंच के द्वारा जो सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई वो लगाई गई थी सूरत में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल देखते हैं, 19वीं सदी की अवेकनिंग रीअवेकनिंग किससे संबंधित है, कौन से वर्ग से संबंधित है, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो।
चलिए टाइम अप, तो यहाँ पे देखो राइट ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, अपर मिडिल क्लास से संबंधित, यानी आपके जो है जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ उससे पहले जो अधिकतर कार्य होते थे वो अपर मिडिल यानी कि जो आपके अमीर वर्ग था केवल वही करता था। कैसे, देखो 1800 सदी में ही आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, ठीक है, ये भी किसने बनाई थी, द्वारका दास ने ही बनाई थी, जो कि कहाँ से थे, आपके मिडिल फैमिली से थे, ठीक है, सॉरी अपर क्लास फैमिली से थे। और वहीं अगर बात की जाए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये भी गोखले के द्वारा बनाई गई और वो भी आपके किससे संबंधित है, अपर मिडिल क्लास से। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि 19वीं सदी की रीअवेकनिंग है वो किससे संबंधित थी, अपर मिडिल क्लास से, जो बाद में जाके किससे संबंधित हुई थी, आम लोगों से यानी कि जनता से। चलिए फटाफट लेते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पूछा गया उपनिवेशिक काल में ब्रिटिश के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा कहां लगाया गया, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो। चलिए टाइम अप हो गया आप लोगों का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके लिए मेरे ख्याल से आपने भी सही लगाया होगा, एग्रीकल्चर, कृषि से याद आ रहा होगा। कैसे आखिरकार, तो देखो भाई जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ब्रिटिश में ही तो हुआ था, ठीक है, 1800 में। अब इनको इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए था, यहाँ पे कच्चा माल चाहिए था। कच्चा माल का मतलब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कच्चा माल का मतलब कॉटन भी है, चाय भी है और आपका मसाले भी है, उसके अलावा कोयला भी है। अब ये जो कच्चा माल है ये बताओ ये किस चीज़ संबंधित है, एग्रीकल्चर से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को अपने पॉलिटिकल लाइफ में किस रूप में जाना जाता है, उन्होंने कौन सा कार्य किया था, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो इसका। चलिए यहां पे अगर मैं आपसे राइट ऑप्शन की बात करूं तो यहां पे आप सबने सही राइट आंसर लिया होगा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया था। तो देखो अगर बात की जाए मोहम्मद अली जिन्ना की, तो इन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग की जब 1906 में स्थापना हुई तो उसका विरोध किया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और आपके मुस्लिम लीग को एक साथ लाने का कार्य किया गया था 1916 में, तो ये भी कार्य किसने किया था, ये भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में साल 1900 यहां पे डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में दो आपकी नेशन थ्योरी भी थी, तो ये जो दो नेशन थ्योरी वगैरह है ये उनके बाद की बात है। यहां सवाल किसके बारे में पूछा गया था, अर्ली पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने पोस्टल स्टैंप जारी किया, 5 सेकंड में जल्दी जवाब बता दो, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए टाइम अप, तो यहां पे राइट ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो दो चीजें याद रख लो, आर और पी, तो पी से क्या होगा पोस्टल, आर से रेलवे, तो ये किससे संबंधित था आपका, डलहौजी से। इसके अलावा अब एक चीज और याद कर लो, लकड़ी, ठीक है, तो आर पी की लकड़ी, तो वुड डिस्पैच यानी जो शिक्षा से संबंधित आपका वुड डिस्पैच था वो भी कब आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय पर आया था। वहीं अगर आपसे बात कर ली जाए बेंटिक के बारे में, ठीक है, तो बेंटिक आपके यहां पर आपने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। किसको समाप्त किया था आपका, सती प्रथा को, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए लॉर्ड ऑकलैंड की, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने कराई थी, तो क्या बताएं, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसको, इनका कालानुक्रमांक कई बार पूछा जाता है, एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, बैड सी, ठीक है, तो बैड सी में आपका बी से क्या हो जाएगा, आपका बेंटिक, ए से क्या हो जाएगा, ऑकलैंड, डी से क्या हो जाएगा, डलहौजी, और सी से क्या हो जाएगा, कैनिंग। तो बैड सी हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको ये चारों के चारों लॉर्ड या गवर्नर आपके याद रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, गांधी जी का बहुत फेमस भजन है वैष्णव जनते, ये किसने लिखा था, 5 सेकंड बता दो जल्दी से। चलिए टाइम अप, तो मेरे ख्याल से ये वाला किसी ने भी गलत नहीं किया होगा, यहां पे राइट ऑप्शन क्या है, नरसिम्ह मेहता यहां पे राइट आंसर होगा। तो देखो नरसिम्ह मेहता आपके 15वीं शताब्दी में ये आपके गुजरात के बहुत फेमस क्या थे, पोएट थे, और इसीलिए इनको पिलर ऑफ गुजराती लिटरेचर कहा जाता है, यानी उसका क्या कहा जाता है, वहाँ पे एक सबसे मजबूत पिलर कहा जाता है, किसको, नरसिंह मेहता को, जिन्होंने कौन सी आपका भजन लिखा था, वैष्णव जनते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पे प्रथम भारतीय का नाम बताओ जिसने रॉयल सोसाइटी से फेलोशिप ली थी, 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो। चलिए यहां पे आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसी वाडिया, एसी वाडिया का फुल फॉर्म क्या था आपका, अर्दासीर कुर्जी
वाडिया, और ये 1808 से 1877 तक थे। तो देखो ये जो एसी वाडिया थे ये आपके एक इंजीनियर थे, क्या थे आपके इंजीनियर। और वही रॉयल सोसाइटी किसमें कार्य करती है, ये विज्ञान से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण खोजों के लिए कार्य करती है। तो फेलोशिप क्या है आपकी, स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप एक साइंस सोसाइटी के द्वारा किसको दी गई थी, एसी वाडिया को दी गई थी जो कि एक इंजीनियर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि 9 अगस्त को आपको कौन सा कार्य हुआ था। 5 सेकंड में जल्दी से जवाब बता दो। चलिए टाइम अप। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सिंपली आपसे पूछा था कि 9 अगस्त को कौन सा कार्य हो, इन्होंने ईयर 1942 नहीं पूछा था आपसे। ठीक है, तो देखो 9 अगस्त को आपका यहाँ पे काकोरी की ट्रेन लूटी गई थी। कौन सी ट्रेन लूटी गई थी, काकोरी की ट्रेन, जो कि जिसके लिए आपका रोशन सिंह, इसके अलावा अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इनको किन के खिलाफ क्या चला था आपका, केस भी चला था। ठीक है, और ये आपका लेकिन हुआ कब था, ये असलियत में हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, और वहीं अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए तो ये कब हुआ है आपका, 9 अगस्त 1942 को हुआ है। अगर इसी तरह से डेट की बात की जाए, थोड़ा डेट पे यहाँ पे याद रखिएगा, तो आपका सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक कानून 12 मार्च 1930 को हुआ था। और वहीं साइमन कमीशन का यहाँ पे बॉयकॉट, जिसमें आपके लाला लाजपत राय को क्या लाठी भी, जिसकी आपके के कारण उनकी मृत्यु भी हुई थी, तो ये हुआ था आपका अक्टूबर 1928 में। कब हुआ था आपका, अक्टूबर 1928 में। और वहीं चंपारण आपका कब हुआ था, ये हुआ था अप्रैल 1917 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि किस ट्रीटी या फिर संधि के द्वारा बाजीराव पेशवा की अस्तित्व को समाप्त किया गया। 5 सेकंड है, फटाफट जवाब बता दो। चलिए टाइम आप। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ बसाइन। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ बसाइन में हुआ क्या था, इसके अंतर्गत साल 1802 में ये जो आखिरी पेशवा थे, ये आपके लिए एक और सवाल है कि यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि आखिरी जो आपके पेशवा थे यानी लास्ट पेशवा थे आपके, वो कौन थे, बाजीराव द्वितीय। तो ये ब्रिटिशर्स के अधीन लाने के लिए इनसे एक ट्रीटी साइन कराई जाती है, उसका नाम क्या रखा जाता है, ट्रीटी ऑफ बसाइन। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए ट्रीटी ऑफ सालवाई की, तो ट्रीटी ऑफ सालवाई के माध्यम से एंग्लो मराठा वॉर, कौन से वॉर, एंग्लो मराठा वॉर समाप्त किए गए 1782 में। तो ट्रीटी ऑफ सालवाई किससे संबंधित है, आंग्ल मराठा युद्ध से, और वहीं ट्रीटी ऑफ बसायन आपके किससे संबंधित है, ये है आपकी बाजीराव द्वितीय के समाप्ति के द्वारा। ठीक है, और देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पुरंधर, इसको याद रखना। पुरंधर जो है आपकी जयसिंह और उसके अलावा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी, किसके मध्य हुई थी, जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी, और ये हुई थी आपकी 1665 में, जिसके माध्यम से यहां पर मुस्लिम अधिकार भारत में बढ़ता चला गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये जबानिए पीसीएस का क्वेश्चन है, तो फटाफट जरा इसका जवाब बता दीजिए 5 सेकंड में। चलिए यहाँ पे अगर मैं आपसे राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, देखिए मैंने आपसे पहले बताया था कि लार्जेस्ट कलेक्शन यहाँ पे आप पूछा गया मैन्यूस्क्रिप्ट का, तो ये जानिए भले ही आपका ये एग्जाम एसएससी में पूछा गया लेकिन ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, अब देखो ये उन्होंने क्यों कहा कि लार्जेस्ट कलेक्शन है, तो यहाँ पर आपका लगभग 4000 किताबें रखी हुई हैं अरबी और पर्शियन भाषा में। तो ये है कहाँ पर आपका, तो ये पड़ता है आपका बिहार में, कहाँ पे पड़ता है आपका बिहार में। और वहीं अगर आपसे बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी, बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार आया है, तो इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने कलकत्ता में, कहाँ पे की थी, कलकत्ता में। ठीक है, और 1784 में की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्स इकट्ठे किए, तो नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो एक और नया सब्जेक्ट होगा। तो मुझे लास्ट में कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।